अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह राजनीतिक ऊर्जा और ताकत का प्रतीक है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर इस मुद्दे की वजह से उसने एक बड़ा राजनीतिक मुकाम हासिल किया है, अब अपोजिशन ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है, वो भी तब जब आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में ऐलान कर दिया दोगुना देंगे, वो 5 किलो हम 10 किलो। क्या वाकई में कांग्रेस या इंडिया अलायंस की यह रणनीति है या फिर ये कैरेट लटकाया जा रहा है? आखिर मुफ्त की योजनाओं को क्रिटिसाइज करते करते पॉलिटिकल पार्टियां अब दोगुना मुफ्त देने का ऐलान कर रही हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब विषयों पर आज हम खुलकर चर्चा करने वाले। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का 5 किलो का राशन बीजेपी के लिए असीम ताकत और राजनीतिक ऊर्जा का प्रतीक है। आप कहीं भी जाएं, गरीब शोषित वंचित वर्ग में फ्री के राशन की धूम है। विपक्षी दल कई बार चूक जाते हैं इस मसले को पकड़ने में, लेकिन इस बार लग रहा है गठबंधन ने इस नब्ज को समझ लिया है। देर ही सही, लेकिन अब जब 3 चरण का चुनाव बाकी है, तब आज इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान हुआ है कि वो 5 किलो देते हैं, हम 10 किलो देंगे। क्या मुफ्त राशन? इसका मतलब कि विपक्ष को इस बात का इल्हाम हो गया है कि मुफ्त राशन के मुद्दे पर बीजेपी उस पर भारी है, इसलिए दोगुने का ऐलान हो गया। तो गठबंधन का वादा मिलेगा दोगुना ज्यादा, तो अब बीजेपी क्या करेगी? अब बीच चुनाव में तो फिर या तो वो बोले हम 3 गुना करेंगे या फिर इसे आगे बढ़ेंगे। बहन भाइयों, हम लोग सामान्य बातचीत में इंटेलेक्चुअल क्लास या पॉलिसी मेकिंग क्लास हमेशा से मुफ्त की योजनाओं को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन अगर जब आप भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तब महसूस करेंगे कि गरीबी क्या होती है, वंचित वर्ग की परेशानी क्या है और वो उसे दिन रोजमर्रा की किन तकलीफों से गुजरना पड़ता है। विशेष तौर पर मैं जिक्र कर रहा हूं ग्रामीण क्षेत्रों का। वहां पर ये मुफ्त अनाज देने की योजनाएं बहुत लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए जीने का एक साधन बनी हुई है। ये योजना कोरोना के टाइम से शुरू हुई और मोदी सरकार की सबसे सुपरहिट पॉलिसी में से एक है, जिसके दम पर उसने उन तक पहुंच बनाई जहां पर बीजेपी का या अन्य दलों का पहुंचना लगभग असंभव था। लेकिन बीजेपी ने इन योजना का लाभ प्राप्त किया, इसीलिए शायद बीजेपी ने इस योजना को कंटिन्यू कर रखा है। तो विपक्ष को भी यह लगा कि तमाम मुद्दों के साथ उसे इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय देनी चाहिए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि बीजेपी 5 किलो देती है, हम 10 किलो देंगे और भी सामान देंगे साथ में। तो इस योजना का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या गठबंधन के इस वायदे का, अब जब आधा से ज्यादा चुनाव बीत चुका है, इसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर ऐसी योजनाओं में बीजेपी ही भारी पड़ेगी? और अब ये मानकर चलिए कि जब सत्तारूढ़ दल और प्रतिपक्ष इस मुफ्त की योजनाओं को बढ़ाने पर तुले हुए हैं, तो ये योजनाएं कंटिन्यू रहने वाली हैं। तो जो अर्थशास्त्र, इकोनॉमी या फिनेंसेस को लेकर चिंता करने वाले लोग हैं, टैक्स के बढ़ने घटने की चिंता करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए अच्छी है जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, लाचार हैं और बेसहारा है। ये उनके लिए एक बेहतर खबर है। बहनों भाइयों, इस स्कीम का ग्राउंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इस योजना के जरिए विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कामयाब होगा या फिर बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, यानी अनाउंसमेंट करते करते भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले गठबंधन ने इस मामले में देरी कर दी? क्या वाकई में ऐसा हुआ है या फिर ये दोगुना ज्यादा का बज ग्राउंड पर क्रिएट होगा और जनता दोगुने की तरफ वोट करेगी? क्या होने वाला है? आज चर्चा हम इसी विषय पे करेंगे। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे, 5 केजी देंगे। आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम
गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। अपने गरीब परिवारों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो राशन की मात्रा, राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे और पैकेट पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री देने का काम होगा। श्री नरेंद्र मोदी जी भी ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं जैसे ये लोग अपनी जेब से गरीब लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। आप लोगों को जो थोड़ा सा फ्री में राशन दिया जा रहा है और उसके बदले में ये गांव गांव में जाकर जब चुनाव होता है तो क्या बोलते हैं कि आपने बीजेपी का, केंद्र की सरकार का नमक खाया है, आपको हलाल करना चाहिए, इसके बदले में वोट देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़के जी, उनको सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। यूपी में तो कांग्रेस का वैसे भी सफाया है, बुनी नहीं खुलने वाली इनकी। भारत का जागरूक मतदाता 2014 में कांग्रेस से पिंड छुड़ा चुका है, अब कांग्रेस कभी पुनः देश के अंदर सत्ता में नहीं आ सकती है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा बड़ी ही व्यापक है और एक बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करती है, इसलिए आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नीलू रंजन जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, हिलाल अहमद नकवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, राघवेंद्र कुमार द्विवेदी SBSP यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। आलोक अवस्थी जी।